हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका पैराग्राफ माय स्कूल पे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप हमें मतलब कि पढ़ते हुए आ रहे हो। 6th 7th में भी आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। तो आज हम लोग ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए, आपको माय स्कूल पे पैराग्राफ लिखना आएगा। आई होप आप अच्छे से लिख भी सकते हो और आपको लर्न नहीं है तो आप इसको लर्न भी कर लेना। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं माय स्कूल पे पैराग्राफ। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय स्कूल, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड। ये फॉलोइंग वर्ड यूज़ करके हमें अपने स्कूल पे पैराग्राफ लिखना है। आपको सीधा भी मिल सकता है कि अब माय स्कूल पे क्या लिखिए पैराग्राफ। ओके, तो देख लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका पैराग्राफ। ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन से, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई रीड इन मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं लिखनी है। ठीक है, ये वाली जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, यहाँ लिख देंगे आप मेहता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज़ वेरी ग्रैंड। हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी है। इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी। हमारी जो स्कूल है वो सिटी के अंदर है, बीचों बीच है। देयर आर 30 रूम्स इन माई स्कूल। और हमारी स्कूल में 30 कमरे हैं। ऑल द रूम्स आर वेरी बिग एंड एयरी। यानी कि सारे हमारे स्कूल में कमरे बड़े बड़े हैं और हवादार हैं। आवर स्कूल हैज़ ए बिग हॉल। जो हमारे स्कूल है वो क्या है, एक बड़ा हॉल है। हमारे स्कूल में एक बड़ा हॉल भी है। देयर इज़ ए गुड लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। और हमारे स्कूल में एक अच्छी सी लाइब्रेरी भी है। देयर आर 2000 बुक्स इन इट। और जिसके अंदर 2000 बुक्स रखी हुई है। देयर इज ए रीडिंग रूम। वहाँ एक क्या है, पढ़ने का कमरा भी है। वी रीड न्यूज़पेपर। हम जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड मैगजीन्स। और हम उसमें क्या पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं इन इट, उसके अंदर। Our school has a big playground. हमारे स्कूल में एक बड़ा सारा playground भी है। playground भी है। We play games there in the evening. हम लोग इसमें शाम को गेम खेलते हैं। There are 500 student in my school. हमारी स्कूल में 500 बच्चे हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड लर्न। सारे ही हमारे टीचर्स बहुत ही दयालु और चतुर हैं, बहुत ही समझदार हैं। आवर हेड मास्टर इज ए लर्न मैन। हमारे हेड मास्टर भी बहुत ही अच्छे वे समझदार व्यक्ति हैं। ओके, तो जो आपका पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको ये पैराग्राफ दोबारा रीड करके बता देती हूँ, तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। देखिए हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये हेडिंग लगाओगे, इसको मैं दोबारा रीड कर देती हूँ और फटाफट इसका आपको ट्रांसलेट भी कर देती हूँ। ओके, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैंने अभी भी बता दिया आपको मेहता स्कूल लिखना है। द स्कूल बिल्डिंग ऑफ द इज़ वेरी ग्रैंड। हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही ऊँची है। इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी। ये सेंटर में है बिल्कुल सिटी के। देयर आर 30 रूम्स इन माई स्कूल। और मेरी स्कूल में 30 कमरे हैं। ऑल द रूम आर वेरी बिग एंड एयरी। सारे ही कमरे बड़े बड़े और हवादार हैं। आवर स्कूल हैज़ ए बिग हॉल। हमारे स्कूल में एक बड़ा हॉल भी है। देयर इज़ ए गुड लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी भी है। देयर आर 2000 बुक्स इन इट। जिसमें कि 2000
1000 बुकें रखी हुई हैं। देयर इज ए रीडिंग रूम, उसके अंदर रीडिंग रूम भी है। वी रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन इट, उसके अंदर न्यूज़पेपर और मैगजीन रखे हुए हैं। अवर स्कूल हैज़ ए बिग प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल में बिग प्लेग्राउंड भी है। वी प्ले गेम्स देयर इन द इवनिंग, हम उसमें शाम को गेम्स खेलते हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं। ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड लर्न, सारे टीचर ही बहुत दयालु और समझदार हैं। आवर हेड मास्टर इज ए लैंडमैन, हमारे हेड मास्टर भी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। ओके, तो आपका पैराग्राफ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखोगे और अच्छी तरह से इसको लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।